टीकमगढ़ जिले के पहाड़ी तिलवारण से आए लोगों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। खबर टीकमगढ़ की है, जहां ग्रामवासी अस्पताल चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया। जिले वासियों का कहना है कि पहाड़ी तिलवारण के एकमात्र मुक्ति धाम पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। गांव के कुछ लोग यादव समाज के लोगों द्वारा मुक्ति धाम की सरकारी भूमि पर कब्जा कर उसे बोया जा रहा है। जब इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की तो कलेक्टर ने तत्काल तहसीलदार एवं पटवारी को मौके पर भेजा। ग्रामवासियों का कहना है कि पटवारी ने दबंगों से पैसे ले लिए हैं, इसलिए आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि सच्चाई क्या है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं लग पाई है। जब हमारे संवाददाता ने पूर्व सरपंच पहाड़ी तिलवारण कमल कुमार प्रजापति से बात की तो उन्होंने दी मामले की जानकारी। हमारा नाम है कमल कुमार प्रजापति, पूर्व सरपंच पहाड़ी तिलवारण। आज आप लोग कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन देने आए हैं, किस बात का ज्ञापन? मुक्ति धाम मुक्त कराने के लिए दमंग लोग कब्जा करें और 1 हेक्टर 77 आरे मुक्ति धाम है पहाड़ी तिलवारण का पूरा जोत रखा। और हम लोग जाते हैं तो गाली वगैरह माँ बहनन की उल्टी सूझी। कौन लोग हैं वो? यादव लोग। क्या नाम है उनका? उनका सुरेश यादव, एक उनके पिताजी का हरचरण यादव, काजीराम यादव और वो राम किशोर यादव। क्या बोलते हैं वो लोग? मारते हैं सर, काला पकड़ के मारा है मुझे। आप लोगों ने अभी तक कितनी बार ज्ञापन दिया? हमने ज्ञापन दिया 3 बार, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 नवंबर को दिया था और 30 जून को दिया था और आज तक कोई जाता नहीं। अभी आप एडीएम साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर तहसीलदार जाके वो जिला जनपद सीओ जाके पुलिस फोर्स लेके निकलवा देंगे। नहीं हुआ ऐसा? नहीं हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे हम लोग, भूख हड़ताल करेंगे, भोपाल जाएंगे और प्लान भी यहाँ त्याग देंगे पूरे गाँव वाले। कुछ भी करना पड़े, हमें मरना पड़े, मुक्ति धाम मुक्त या प्राण। ऐसी ही पैनी खबरों पर हम रखते हैं नजर, इसलिए देखते रहिए अखबार जगत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतजार।